हेलो दोस्तों, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सुमित। आज चार कंपनी से अपडेट आई हुई है। एक कंपनी में सीएस मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी है और जो बाकी तीन कंपनी है वहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लीगल ऑफिसर, एमबीए फाइनेंस, एमबीए एचआर जिन्होंने किया है उनके लिए जॉब अपडेट है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको रियल टाइम बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपको जॉब की अपडेट नोटिफिकेशन मेरे चैनल के थ्रू मिलता रहे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है। यहाँ पे दो मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी है। सीएस मैनेजमेंट ट्रेनी की दो वैकेंसी है जिसमें 21 मंथ का आपको ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे रहने वाला है। जॉब लोकेशन आपका कोलकाता में रहने वाला है। यस, जॉब लोकेशन आपका कोलकाता में रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस डायरेक्ट इंटरव्यू है। एग्जीक्यूटिव जिन्होंने पास किया है या फिर जिन्होंने प्रोफेशनल पास किया है वो एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है, अगर आपने एग्जीक्यूटिव पास किया है तो 10,000 रुपये मिलने वाला है, और अगर प्रोफेशनल क्लियर हो तो आपको 12,000 रुपये मिलने वाला है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब रहने की व्यवस्था भी कंपनी करने वाली है। यस, रहना कंपनी की तरफ से रहने वाला है। अकोमोडेशन कोलकाता में वैकेंसी आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 21 महीने की आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है जिसमें आपको 52 वीक्स का लीव भी परमिट किया जाता है। आईसीएसआई की जो शेड्यूल है या रूल्स है उसके हिसाब से। यहाँ पे अप्लाई करने की लास्ट डेट है 31 अगस्त 2022। मेरे ख्याल से आपको अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने का सिंपल प्रोसेस है, आपको इस एड्रेस पे आपका रिज्यूम और अप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है इस एडवर्टाइजमेंट में, वो आपको भर के भेजना है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, आपको मिस नहीं करना चाहिए। सेकेंड वैकेंसी आता है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी की वैकेंसी है, सिविल इंजीनियर की वैकेंसी है, फायर एंड सिक्योरिटी ऑफिसर, लॉ ऑफिसर की 5 वैकेंसी है, एचआर मैनेजर की 10 वैकेंसी है, फाइनेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट की 10 वैकेंसी है, मैनेजर मैनेजमेंट इसकी टोटल 17 वैकेंसी है। जिन्होंने एमबीए किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किया है, पीजीटीए में किया हुआ है, विद अ मिनिमम 60% अगर आपके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। सीएस की जो रिक्वायरमेंट है वो है मेंबर ऑफ आईसीएसआई होना चाहिए, फेलो मेंबर या फिर एसोसिएट मेंबर ऑफ आईसीएसआई। लॉ की अगर बात करूं तो मिनिमम आपके पास एलएलबी या फिर एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए, और अगर आपके पास सीएस की डिग्री भी है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मिनिमम 60 मार्क्स आपको आपके ग्रेजुएशन में, लॉ की ग्रेजुएशन में होने चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी वैकेंसी है, टोटल 10 वैकेंसी है। दोस्तों मेरे ख्याल से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया काफी बेहतरीन कंपनी है, अप्लाई कर सकते हो आप। यहाँ पे जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो है 16 अगस्त 2022। जॉब लोकेशन मुंबई रहने वाला है, बट मे भी हो सकता है कि फ्यूचर में आपका ट्रांसफरेबल जॉब हो, बट एज ऑफ नाउ लोकेशन मुंबई दिया हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होने वाली है, अपॉइंटमेंट होने वाली है, वो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अपॉइंटमेंट है, परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। एग्जाम के थ्रू अपॉइंटमेंट होने वाला है, लेकिन सैलरी काफी अच्छी दे रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पे 75,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलने वाला है, और अगर आप फ्रेशर भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको 75,000 रुपीज मिल रहा है पर मंथ, तो इट्स बेटर टू गो देयर। 3 साल का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। मैक्सिमम एज कैंडिडेट का 27 ईयर्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपकी एज 27 के ऊपर है तो आप एलिजिबल नहीं होते हो। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पैसा भी अच्छा देने वाले हैं। इसमें आपका जो बेसिक पे होने वाला है वो रहने वाला है आपका 50,000 से लेकर 160 तक। आपका पैकेज जो आपका बेसिक पे है वो रहने वाला है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है, और सब पोस्टिंग मुंबई या फिर कहीं और भी आपकी हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो आपकी एग्जाम होने वाली है उस एग्जाम में आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर आपने तुक्का भी मार दिया तो हो सकता है कि चांसेस हो पास हो जाने के, नो निगेटिव मार्किंग। तो यस, यू कैन अप्लाई, बेटर अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट कंपनी है। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में इंटर होना है तो मेरे ख्याल से इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए कहीं हो ही नहीं सकती है। फ्रेशर को 75,000 के आसपास सैलरी मिलने वाली है, तो दोस्तों वेट मत करिएगा, जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो इसका टेंटेटिव जो शेड्यूल है उस पर हम बात कर लेते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 16 अगस्त 2022, और ऑनलाइन एग्जाम आपका 26 अगस्त को ही होने वाला है। मतलब सॉरी, 26 अगस्त को आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम आपकी 11 सितंबर, मतलब 20 दिन का आपको टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। शॉर्ट लिस्टिंग 4th वीक ऑफ सितंबर होगी, एंड सेकेंड शॉर्ट लिस्टिंग और ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू आपका 2nd वीक ऑफ अक्टूबर होने वाला है। रिजल्ट डिक्लेयर होगा
फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर। मेरे ख्याल से दोस्तों जरूर अप्लाई कीजिए, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। दूसरी वैकेंसी पे बात करते हैं। कंपनी का नाम है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक ये गवर्नमेंट कंपनी है, साहिबाबाद गाजियाबाद में, यूपी यूपी में वैकेंसी है, साहिबाबाद यूपी। यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट होने वाली है कंपनी सेक्रेटरी की। यस, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन ही शुड बी अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई या फिर प्रेफरेबली आपके पास एमकॉम और लॉ की डिग्री भी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस मिनिमम 2 साल का मांग रहे हैं। एज मैक्सिमम एज कैंडिडेट का 63 ईयर्स हो सकता है, मतलब 63 ईयर अगर आपकी एज 63 ईयर तक है तो आप अप्लाई कर सकते हो, उसके ऊपर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन यार एक यहाँ पे जो सैलरी दे रहे हैं वो 30 और 35 के बीच में दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सैलरी के लिए ये मात खा जाती है जॉब। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए और गाजियाबाद में रहने पीने खाने का भी खर्चा कम है लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, यू कैन गो एंड अप्लाई। 28 जुलाई 2022 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। कैसे अप्लाई करना है आपको मैं सब डिटेल में बता दूंगा, इस एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है। ये अप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना है और आपको कूरियर करना है। साथ ही साथ एक दूसरी कंपनी है, सिटीजन क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाली है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट, लीगल ऑफिसर, एलएलएम जिन्होंने किया, सिर्फ एलएलएम वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिंक ओपन हो रही है रजिस्ट्रेशन की वो हो चुकी है 19 जुलाई 2022 से। रजिस्ट्रेशन 19 जुलाई से शुरू हो गया है और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 2 अगस्त शाम को 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जॉब लोकेशन कहीं भी रह सकता है। क्वालिफिकेशन की बात करूं, सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, एमबीए, एलएलएम और एमटेक जिन्होंने किया है वो एलिजिबल है। इसका मतलब ये है कि फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। यस, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपकी एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। दोस्तों मैक्सिमम एज कैंडिडेट का 30 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए और मिनिमम एज 20 साल के नीचे नहीं होना चाहिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये एज आपकी 30/6/2022 को देखी जाएगी। और सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी यहाँ पे आपको समझ लीजिए कि 6,50,000 रुपीज तक सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। यस, आपने सही सुना, 60,50,000 रुपये तक सैलरी मिलने वाली है, सॉरी 6,50,000 रुपये तक आपको सैलरी मिलने वाली है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एग्जाम के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है जिसमें आपके ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं, इंग्लिश, बैंकिंग, क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल एबिलिटीज एंड ऑल इंग्लिश में होने वाला है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है 25% की। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो और आपकी एज विद इन द लिमिट ऑफ द एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ये भी भरोसा कीजिए। इसके बाद दूसरी वैकेंसी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, लीगल ऑफिसर की वैकेंसी है। एज ऑफ नाउ हम डिटेल में देखते हैं किस किस लेवल के लिए यहाँ पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। मेरे ख्याल से अप्लाई करना चाहिए अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है 5, लॉ ऑफिसर की 5 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज 26 ईयर्स है और आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। लीगल लॉ ऑफिसर एचआर की भी वैकेंसी है जिसमें 2 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज 26 साल, सेम लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मैनेजर इलेक्ट्रिकल 3 वैकेंसी है, 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ वेलफेयर ऑफिसर की भी वैकेंसी है, रिफाइनरी जिसका लोकेशन मुंबई में रहने वाला है, इसमें सोशल साइंस की डिग्री होनी चाहिए। एचआर ऑफिसर की वैकेंसी है, टोटल 8 वैकेंसी है। अगर आपने एमबीए इन एचआर किया है या फिर पीजीडीएमए इन एचआर किया है तो आप एलिजिबल हो। मैक्सिमम एज इज 27 ईयर। चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैकेंसी है 15, 27 ईयर मैक्सिमम एज है। यू शुड बी ए मेंबर ऑफ आईसीएआई। उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, ब्लेंडिंग ऑफिसर की भी वैकेंसी है, सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी है। काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि अप्लाई करना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास अगर आप सीए हो तो 50% मिनिमम आपकी एग्जाम होनी चाहिए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एग्रीगेट। लॉ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 60% एग्रीगेट या अदर फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका एग्रीगेट 60% होना चाहिए। दोस्तों अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लास्ट डेट अप्लाई करने की है यहाँ पे 22 जुलाई 2022। अप्लाई कैसे करना है, ये चारों वैकेंसी, चारों पाँचों वैकेंसी की मैंने
पीडीएफ फाइल अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और अप्लाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। हर वैकेंसी का एक अपना एडवांटेज है, एक अपनी अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।